हमारा सौरमंडल जो घर है 8 ग्रहों 5 बौने ग्रहों और लाखों एस्ट्रॉइड्स का। हमारे इस सौरमंडल में हमारी ही पृथ्वी है जहां पर हमें जीवन देखने को मिलता है और जो हमारे सौरमंडल के रहस्यों से आए दिन पर्दा उठा रहे हैं। लेकिन हमारे सौरमंडल की फॉर्मेशन हमारे लिए एक बड़ा रहस्य रही है और शायद इसका कारण यह भी है कि हमें हमारे सौरमंडल की फॉर्मेशन से जुड़ा कोई खास सबूत भी नहीं मिला है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सौरमंडल में तैर रहे एस्ट्रॉइड्स हमारे सौरमंडल की फॉर्मेशन के समय बचे हुए मटेरियल से बने हैं और जिनमें सौरमंडल की फॉर्मेशन के समय के रहस्य छिपे हुए हो सकते हैं। 11 सितंबर 1999 को नियर अर्थ एस्ट्रॉइड सर्वे के द्वारा लीनियर यानी लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉइड रिसर्च ने एक एस्ट्रॉइड को खोजा जिसे 1999 RQ36 नाम देकर एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्लासिफाई किया गया, क्योंकि यह सन 1999 में हमारी पृथ्वी के काफी करीब से होकर गुजरा था और जिसे एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी और गोल्डस्टोन डीप स्पेस नेटवर्क की रेडार इमेजिंग के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। इस एस्ट्रॉइड के लिए एक और नाम को चूज करने के लिए 8000 स्टूडेंट्स ने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, द प्लेनेटरी सोसाइटी और द लीनियर प्रोजेक्ट ने सन 2012 में होस्ट किया था। इन 8000 एंट्रीज में से बेनू नाम को चूज किया गया जो कि एक इजिप्शियन मैथोलॉजिकल बर्ड से रिजेंबल करता है। इस एस्ट्रॉइड बेनू की शेप गोलाकार ना होकर एक षटकोण के जैसी ज्यादा है। बेनू की एक्सिस ऑफ रोटेशन लगभग 178 डिग्री पर टिल्टेड है। अगर हम इसे कंपेयर करें हमारी पृथ्वी के 23 डिग्री के टिल्ट से तो यह उससे 7 गुना से भी ज्यादा है। बेनू अपनी इस झुकी हुई एक्सिस पर अपने ऑर्बिट से रेट्रोग्रेड दिशा में घूमता है और इसी दौरान वो हमारे सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 1.2 अर्थ ईयर्स का समय लगाता है और बेनू अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन 4.3 घंटों में पूरी करता है, यानी बेनू का एक दिन सिर्फ 4.3 घंटों का ही होता है। बेनू अपने इस अजीब से ऑर्बिट के दौरान हर 6 सालों बाद हमारी पृथ्वी के काफी करीब से होकर निकलता है और इसके हर बार पृथ्वी के पास से होकर गुजरने की दूरी बदलती रहती है। नासा ने बेनू के इस ऑर्बिट को देखते हुए 18 सितंबर 2016 को अपने ओसीरिस रेक्स मिशन को बेनू की तरफ भेजा ताकि इस 500 मीटर की इस चट्टान की डिटेल्ड स्टडी की जा सके। ओसीरिस रेक्स मिशन के लॉन्च होने से पहले सन 1999 से 2013 तक बेनू की इनिशियल ग्राउंड बेस्ड रेडार ऑब्जर्वेशंस ने इस ओर इशारा किया कि बेनू की सतह समतल होगी जहां पर बहुत कम चट्टानें होंगी और जिनमें से सबसे बड़ी चट्टान 10 मीटर ऊंची होगी। 3 दिसंबर 2018 को ओसीरिस रेक्स जब बेनू पर पहुंचा तो उसने हमें बेनू की सरफेस का हाई रेजोल्यूशन डेटा प्रोवाइड करवाया जिसमें हमें देखने को मिली एक काफी रफ सरफेस जो 200 से भी ज्यादा 10 मीटर ऊंची चट्टानों से भरी पड़ी थी और जिनमें से सबसे बड़ी चट्टान 58 मीटर्स की थी। इसी के साथ हमें बेनू के इक्वेटर पर चोटियों की लाइन देखने को मिली जो काफी ठोस मटेरियल से बनी हुई थी जिसकी फॉर्मेशन का कारण बेनू की लो ग्रेविटी और फास्ट रोटेशन है। ओसीरिस रेक्स की ऑब्जर्वेशंस और इससे मिले डेटा से हमें पता चला कि बेनू की रोटेशन स्पीड समय समय पर चेंज हो रही थी और बेनू की रोटेशन स्पीड में आने वाला ये चेंज यॉर्प इफेक्ट के कारण आता है। इस इफेक्ट के दौरान किसी रोटेटिंग बॉडी पर हमारे सूर्य की रोशनी के अब्सॉर्प्शन और हीट के री इमिशन के कारण काफी कम फोर्स लगती है। बेनू की फॉर्मेशन को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कार्बोनेशियस एस्ट्रॉइड किसी काफी बड़े कार्बन रिच एस्ट्रॉइड या किसी प्रोटो प्लेनेट से लगभग 700 मिलियन से 2 बिलियन सालों पहले टूटकर बना था। इसके मिनरल्स और एटम्स का ओरिजिन भी हमारे सोलर सिस्टम के बाकी मटेरियल की तरह ही किसी तारे के रेड जायंट होकर मरने और सुपरनोवा से हुआ होगा। बेनू का बेसिक केमिकल नेचर और मिनरोलॉजी हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के पहले 10 मिलियन सालों के दौरान हुआ होगा।
जहां पर बेनू को बनाने वाला कार्बन मटेरियल किसी जियोलॉजिकल हीटिंग और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से होकर एक प्रोटो प्लेनेट या प्लेनेटॉइड के रूप में बदल गया होगा, जहां पर और अधिक प्रेशर ने नए कम्प्लेक्स मिनरल्स को बनाया होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि बेनू हमारे इनर सोलर सिस्टम में ही बना होगा एस्ट्रॉइड बेल्ट के करीब, और जुपिटर जैसे गैस जायंट्स और मार्स से होने वाली ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन ने इसके उस ऑर्बिट को बदल दिया। खैर, बेनू की फॉर्मेशन का असली सच तो ऑसिरिस रेक्स मिशन से मिलने वाले सैंपल से ही पता चलेगा। बेनू के ऑर्बिट में 6 सालों बाद पृथ्वी के पास आने वाले उन चेंजेस को देखकर हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि हर 130,000 सालों बाद एक 500 मीटर का एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकराता है। आंद्रे मिलानी और कोलैबोरेटर्स के द्वारा 2010 में की गई एक डायनेमिक स्टडी से उन्होंने हमें बताया कि बेनू के सन 2169 से लेकर 2199 के बीच हमारी पृथ्वी से टकराने के 8 चांसेस हैं। 25 सितंबर 2175 को यह एस्ट्रॉइड 1,50,00,000 किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी के पास होकर गुजरेगा, तब इसके पृथ्वी से टकराने के 1/24,000 चांसेस हैं। और 24 सितंबर 2196 में इस एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने के चांसेस 1/11,000 हैं, जो सबसे ज्यादा हैं। खैर, जब भी यह हमारी पृथ्वी से टकराएगा तो इससे शायद पूरी दुनिया तो तबाह ना हो, लेकिन यह पृथ्वी के एक काफी बड़े हिस्से को नष्ट कर देगा। 12 सितंबर 2019 को आखिर एक साल तक बेनू की सरफेस को मैप करने के बाद इसके लिए एक टारगेटेड लैंडिंग साइट को चूज किया गया, जहां से सैंपल्स को इकट्ठा करने के बाद उन सैंपल्स को हमारी पृथ्वी की तरफ भेजा जा चुका है, जो हमारी पृथ्वी पर 23 सितंबर 2023 को पहुंचेंगे। लेकिन ऑसिरिस रेक्स ने इन सैंपल्स और डेटा के अलावा बेनू के पास कुछ ऐसा खास और मिस्टीरियस देखा जो हमारे लिए चौंकाने वाला था, जिसके बारे में हम बात करेंगे ऑसिरिस रेक्स वाले वीडियो में। तो बताइए कि आप ऑसिरिस रेक्स के बारे में वीडियो देखना चाहोगे या नहीं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, बेनू के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं जल्द ही ऐसी एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।